हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मोटिवेशन। हम आज डिस्कस करने वाले हैं पियाजे, वाइगोट्स्की और इरिक्सन द्वारा दिए गए थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को, जिसमें हमारा फोकस सिद्धांतों से ज़्यादा क्लासरूम में इन्हें कैसे अप्लाई करना है एज ए टीचर, उस पर होगा। इसका अर्थ है कि अभी तक हमने पियाजे, वाइगोट्स्की, इरिक्सन की जो थ्योरी पढ़ी है, अब हम उसे एज ए टीचर अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसको चार स्टेज में, यानी चार अवस्थाओं में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला वो कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो होता है जन्म से लेके 2 वर्ष के लिए। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने सेंस पर, यानी अपनी आँख, कान व नाक पर निर्भर करता है। वो जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षता देखता है उसी का ही उसके लिए अस्तित्व होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा स्कूल जनरली नहीं जाएगा। तो इसलिए हम, जहाँ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है एज ए टीचर, एक स्कूल की अगर हम बात करें, क्लासरूम की अगर बात करें, तो हम सेकेंड स्टेज से उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से लेकर 7 साल तक। उम्र के जो बच्चे हैं, हम जानते हैं कि उनमें भाषा का विकास शुरू हो जाता है। ये बच्चे जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं, वो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगते हैं, नई सूचनाओं और अनुभवों को ग्रहण करने लगते हैं, उनका संग्रह करने लगते हैं। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि इस स्टेज के बच्चों के लिए एज ए टीचर हम क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, या इस थ्योरी को समझते हुए हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि इस स्टेज, यानी 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, हम सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इन्हें छोटे निर्देश दें जिसमें एक्शन को शामिल किया जाए। उसके बाद है दूसरा है निर्देश कई सारे स्टेप्स में नहीं देने हैं। तीसरा, बच्चों को सिखाते समय विजुअल्स का प्रयोग करना है। चौथा है शिक्षक या शिक्षिका को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझने का तरीका अलग अलग होगा या अलग अलग हो सकता है। पांचवा है बच्चों को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में मदद करें। हम जानते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में हमें एज ए टीचर उनकी हेल्प करनी चाहिए। छठा है लंबे चौड़े भाषण ना दें। सातवां, बच्चों को सिखाने के लिए खेल का प्रयोग करें, उन्हें खेल खेल में जोड़ना घटाना सिखाएं, क्लास में कुछ गेम्स करवाएं, क्विज करवाएं, जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें या सीख सकें। उसके बाद आठवां है शब्द और संकेत दोनों का प्रयोग करें। जैसे अगर मैं बच्चे को अ से अनार पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं उसका चित्र भी दिखाऊंगी तो वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसको सीखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नौवां है कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय हैंड ऑन एक्टिविटीज़ ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। अगर बच्चे करके सीखेंगे तो वो उनके लिए उनका अपना अनुभव होगा और ये उन्हें ज़्यादा समय तक याद रहेगा, या कॉन्सेप्ट को वो और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ उन्हें डेफिनेशन रटवाने लगेंगे तो वो उनके लिए इस तरह से बेनिफिशियल नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों को चीज़ों के साथ वक्त बिताने दें, जैसे खिलौने, पानी आदि, इससे उन्हें कंजर्वेशन करने में मदद मिलेगी। ग्यारहवां है बच्चों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दें, उन्हें वर्ड्स दें। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इस अवस्था में बच्चे की उम्र जो तय की थी पियाजे ने, वो थी 7 से 11 वर्ष की। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं वो वस्तुओं को पहचानने, उनका डिफ्रेंसिएशन करने, उनका क्लासिफिकेशन करने की क्षमता जो होती है बच्चों में और अधिक विकसित होती है। उनमें अब चिंतन करने की जो शक्ति है वो पहले से ज़्यादा होने लगती है, और या फिर हम ये कहें कि क्रमबद्ध रूप से या क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा धीरे धीरे शुरू करता है। बच्चा जो है विश्वास करने लगता है, लंबाई, भार आदि जो है उन पर चिंतन करने लगता है, भाषा का अच्छा खासा विकास हो जाता है 7 से 11 उम्र के बच्चों में, और साथ ही बच्चा जो है वो पर्यावरण के साथ एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो अब इन क्लास के जो बच्चे हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, अब उनको हम एज ए टीचर किस तरीके से पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है कंक्रीट प्रॉप्स का इस्तेमाल करें,
खास तौर से जटिल अवधारणाओं को समझाने में, जैसे फिजिक्स पढ़ाते समय 3 डायमेंशनल मॉडल्स का यूज़ करें हम। दूसरा है बच्चों को सिंपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने दें। उसके बाद तीसरा है सोशल स्टडीज़ या सामाजिक अध्ययन के विषय को पढ़ाते समय बच्चे को मॉडल बनाने को कहें, जैसे शहरी और ग्रामीण जीवन में, आजीविका में छोटे बड़े व्यवसाय के ऊपर हम उन्हें मॉडल बनाने को दें। उसके बाद अगला है चौथा, संक्षिप्त और व्यवस्थित पठन सामग्री का प्रयोग करें। अगला है उन उदाहरणों का प्रयोग करें जिनसे बच्चे परिचित हैं, ऐसे उन्हें जटिल अवधारणाएं समझने में भी आसानी होगी। अगला है किसी ऐसी सिचुएशन को समझाने के लिए जिसे बच्चों ने देखा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं किया है, पिक्चर्स का प्रयोग करें, जैसे सीनियर सिटीजन्स जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सीनियर सिटीजन जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, युद्ध या गरीबी पीड़ित, आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस द्वारा सहायता, इन सब की फ़ोटोज़ दिखाकर ऐसी परिस्थितियों को डिस्कशन करें और उन्हें अपने रिफ्लेक्शन देने को कहें। और इस तरह से हम सभी बच्चों के एक तरह से उनकी जो सोच है वो किस तरीके से सोच पा रहे हैं ये भी हम जान सकेंगे एक फीडबैक के रूप में। अगला है इस तरह से बच्चों के समक्ष ऐसे प्रॉब्लम्स प्रस्तुत करें जिनमें तार्किक व विश्लेषणात्मक चिंतन की मांग होती है। उसके बाद अगला है मल्टी डायमेंशनल नमूने का प्रयोग या फिर बहुआयामी नमूने का प्रयोग हम करें। एग्जाम्पल जैसे ग्लोब है, ग्लोब का एक चैप्टर है क्लास 6 में, तो हम बच्चों को ग्लोब दिखा सकते हैं, ये भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उसके बाद अगला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर इसको हम कह सकते हैं औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसके लिए बच्चे इसमें 11 साल से एडल्टहुड या 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है ये। इसकी जो प्रमुख व्यवस्था है वो अमूर्त चिंतन है, जिसमें बच्चे की जो कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी विकसित हो चुकी होती है पहले की तुलना में, और इसमें जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगते हैं, डिसीज़न बनाने लगते हैं, और ख़ुद से डिसीज़न लेने की जो क्षमता है उसका विकास बच्चों में हो जाता है। कहीं ना कहीं बच्चों में वैज्ञानिक ढंग से जो साइंटिफिक तरीके से सोचने की क्षमता है उसका भी विकास हो जाता है, और बच्चे जो हैं उनका शिक्षण स्तर, जाहिर सी बात है कि शिक्षण स्तर भी उनका पहले से ऊँचा हो जाता है। तो अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों को अमूर्त समस्याएँ दी जा सकती हैं क्योंकि वे अब क्रिटिकल थिंकिंग या फिर चिंतन प्रक्रिया में कल्पनात्मक शक्ति को शामिल कर लेते हैं। अब उन्हें किसी जगह के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें तस्वीर या पिक्चर्स दिखाएं ही, वो बच्चे खुद से कल्पना करने लगते हैं, उनमें ये जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। अगला है ठोस चिंतन, शिक्षण रणनीतियों व सामग्रियों का प्रयोग करते रहना जारी रखना चाहिए। अगला है दृश्य सामग्रियों में चार्ट, डायग्राम, चित्र, ग्राफ्स को धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए। उसके बाद चौथा है स्टूडेंट्स को किसी मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को कहें। पांचवा है विद्यार्थियों में समस्या हल के दौरान अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। छठा है विद्यार्थियों को स्वयं प्रश्न बनाने और उसका उत्तर लिखने को कहें। सातवां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें जिससे वे समस्या का हल वैज्ञानिक रूप से कर सकें। अब अगला हम आ रहे हैं वाइगोट्स्की पर। वाइगोट्स्की इज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। इस तरह से हम इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाइगोट्स्की का जो बल था वो समाज और संस्कृति को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वो मानते हैं कि जैसा समाज होगा बच्चा उसी तरह से विकास करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के लिए समाज में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी उसी तरह से बच्चे का विकास होगा, या फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाइगोट्स्की का सिद्धांत है वो निर्माणवाद पर बहुत अधिक आधारित है, जो बच्चे के अपने वास्तविक विकास से स्तर से सामान्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इसी के अंतर्गत वाइगोट्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकट विकास के क्षेत्र का भी सिद्धांत दिया था। इस तरीके से वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मानता है। वो ये मानते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा ही हो पाएगा। तो अब हम एज ए टीचर इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे,
तो सबसे पहला है विद्यार्थियों को अधिगम और संगठित रणनीतियों, रिसर्च टूल्स, लैंग्वेज टूल्स जिसमें शब्दकोश, विकीज़ या कंप्यूटर सर्चेज या स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स का प्रयोग करने के लिए बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं। दूसरा है धीरे धीरे सहायता को हम कम करें। शुरुआत में उन्हें कंटेंट, मॉडल्स, प्रॉम्प्ट्स, फीडबैक दें, लेकिन धीरे धीरे सहायता को कम करें ताकि वे सक्षम बने और आत्मनिर्भरता से किसी कार्य को कर सकें। इसका अवसर हम एज ए टीचर उन्हें प्रदान करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें गाइड भी करें, उनकी हेल्प भी करें। तीसरा है किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को विकल्प दें, उन्हें जूझने के लिए तैयार करें, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मदद करें। चौथा है विद्यार्थियों को आपस में एक दूसरे और एक दूसरे के परिवारों को जानने के मौके दें जिससे वे एक दूसरे के पेशे और परिवारों को समझ सकें, जैसे कृषि, अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, गृह प्रबंध, दवा, बीमारी, धर्म, चाइल्ड केयर, कुकिंग आदि के बारे में बच्चे जान पाएँ, उनका दायरा विकसित हो। इस ज्ञान के आधार पर उन्हें असाइनमेंट्स भी दें। पांचवा है विद्यार्थियों को वे टास्क भी दें जो उनके जीवन से जुड़े हों, जिनमें वे सहयोगपूर्वक कार्य कर सकें। जैसे अगर हम बच्चे को कुछ इस तरीके का काम दें जो उनके घर वाले भी उसमें उन्हें मदद कर पाएँ, तो इस तरह के टास्क में बच्चा इंटरेक्ट करना सीखेगा और अपने आसपास की चीज़ों से सीखना भी सीख भी पाएगा। छठा है शिक्षकों को अवधारणा समझाते समय ऑथेंटिक और रियल लाइफ से जुड़े उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ बहुत मायने रखता है, तो एक शिक्षक या शिक्षिका को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगला है विद्यार्थियों को ग्रुप एक्टिविटी कराई जाए, शिक्षण के लिए पीयर ट्यूटरिंग का प्रयोग होना चाहिए। अगला है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास हो, ऐसा हमें एज ए टीचर सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद अगला है शिक्षक या शिक्षिका को विद्यार्थी की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें सबसे सामने प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। अगला है विद्यार्थियों को अच्छे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सहायक व्याख्या भी दी जानी चाहिए। अगला हम चलते हैं एरिक्सन पर। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में जो स्टेज बताया है वो साइकोसोशल डेवलपमेंट कहलाता है या फिर मनोसामाजिक अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। इसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं जिसमें से अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशिएटिव एंड इंडस्ट्री, यानी 3 से 6 साल और 6 से 12, इस तरह से 3 से 12 साल के बच्चों की हम बात करने वाले हैं एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार। अब हम उसे कैसे क्लास में अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला है बच्चों को विकल्प चुनने, बनाने व उन पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा है बच्चों को कुछ छूट दें जिससे बच्चे खेल या गतिविधि चुन सकें। तीसरा है जब बच्चे किसी कार्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों तो उन्हें बीच में नहीं टोकें। चौथा है जब बच्चे किसी गतिविधि की सलाह देते हों या प्रयास करते हों तो उनकी सलाह को माने और चलती हुई गतिविधि पर भी उनकी आइडियाज़ को या वो जो आइडियाज़ दे रहे हैं उसको अप्लाई करें। पांचवा है बच्चों को कुछ मना करने के बजाय उन्हें सकारात्मक विकल्प दें, जैसे आप अभी कुकीज़ नहीं खा सकते के बजाय कहें कि क्या आप लंच के बाद कुकीज़ खाएंगे, तो इस तरह से हम उन्हें एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव दें। अगला है यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को सक्सेस एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिलना चाहिए। सातवां है जब भी कोई नया गेम शुरू करें या नया स्किल सिखाएं तो इसे सिखाने के लिए छोटे स्टेप्स का प्रयोग करें। अगला है यदि कक्षा में विभिन्न क्षमताओं के बच्चे हैं तो प्रतियोगिता कराने से बचें। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों को अलग अलग किरदार निभाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला बच्चों से छोटी छोटी गलती होने पर उन्हें डांटे नहीं बल्कि उपाय सुझाएं कि कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। अगला है यदि बच्चे बार बार ऐसा व्यवहार करें जो असामान्य या अस्वीकार्य हो तो ऐसे में विद्यालय मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मार्गदर्शन लें। यह बच्चों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं। कम उम्र में जो बच्चा है व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को हल करना उसके लिए आसान हो जाता है, तो और ये सही उम्र होती है बच्चों की जिस समय हम उनकी इस व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को हल करें, ये बिल्कुल सही उम्र होती है जिस समय हम सुधार ला सकते हैं। अगला है शिक्षक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों द्वारा यथार्थवादी लक्ष्यों की तरफ गतिविधि तैयार करने या कार्य करने के पर्याप्त अवसर हों। अगला
पहले छोटे असाइनमेंट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बड़े की तरफ जाएं। समय समय पर मूल्यांकन करें, इसके लिए प्रोसेस चेक पॉइंट सेट करें। अगला है, बच्चों को तर्क संगत लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए मदद करें। लक्ष्यों को लिख लें और विद्यार्थियों को अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखने को कहें। अगला है, छात्रों को अपनी स्वायत्तता और जिम्मेदारी प्रकट करने के अवसर मिलें। इसके लिए यदि उनसे कोई ऑनेस्ट मिस्टेक होती है तो धैर्य रखें। उदाहरण, बच्चों को पठन सामग्री कलेक्ट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने को कहें, पौधों में पानी डालने को कहें, और भी जैसे कंप्यूटर लैब मॉनिटर करने को कहें, किसी छात्र को सबके फॉर्म का रिकॉर्ड रखने को कहें, अपने होमवर्क पर ग्रेड देने को कहें आदि। इस तरह से अगर बच्चा कोई गलती किया तो उसे डांटने के बजाय, अगर हम इस तरह की, एक तरह से ये दंड नहीं है बल्कि बच्चे को हम एक क्रिएटिव तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अगला है, जो विद्यार्थी हतोत्साहित हो गए हैं उन्हें सहायता प्रदान करें, उनका सहारा बने। जैसे उनके पिछले रिकॉर्ड या प्रगति का इंडिविजुअल चार्ट दिखाएं। हो सकता है कोई छात्र पहले अच्छा परफॉर्म करता था, तो उसे उसके ही प्रदर्शन से मोटिवेट करें। अगला है, यदि कोई विद्यार्थी जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है या किसी ने सबकी मदद की है या कोई बहुत मेहनत करता है तो इन सबको पुरस्कृत करें। अगला जो स्टेज है सपोर्टिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो है 12 साल से किशोरावस्था तक। इसमें हम बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं या किस तरह से उनकी सीखने में मदद कर सकते हैं। तो पहला है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार करियर चॉइसेस दें, विभिन्न प्रकार के करियर चॉइसेस दें। इसके लिए उन्हें कक्षा में विभिन्न अध्यायों जैसे इतिहास और साहित्य से उदाहरण लें। इसके लिए कैलेंडर बनाएं जिसमें प्रसिद्ध महिलाओं, अल्पसंख्यक नेताओं और लोगों जन्मदिन मेंशन हो जिनका, उस तरह की हम क्लास में उदाहरण लेकर उन्हें समझाएं। यदि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें इनका छोटा मोटा भी योगदान है तो विद्यार्थियों से डिस्कस करें। इसके लिए उनका बर्थडे चुनें और छात्रों को बताएं। कुछ गेस्ट स्पीकर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं ताकि वे छात्रों और छात्राओं को बताएं कि कैसे और क्यों उन्होंने अपने पेशे चुने। इसमें हर तरह के कार्य शामिल हों जिससे विविध प्रकार के विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी प्रतिभा के अनुसार विकल्प को चुन सके। अगला है, दूसरा, किशोरावस्था में एक अलग सनक होती है। इस मामले में थोड़ा धैर्य रखें, उन पर कठोर हेयर कोड या ड्रेस कोड को ना ला दें, ना थोपें उन पर। अगला है, किशोरावस्था में कई बार सेकंड चांस देने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें यथार्थवादी प्रतिक्रिया दें, उनके कार्य के बारे में और मदद करें ताकि वे सुधार कर सकें। अगला है, किशोरावस्था के विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। उनको पिछले बैचों के विद्यार्थियों के मॉडल आंसर या प्रोजेक्ट दिखाएं, जिससे उन्हें अपनी तुलना के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स मिल सकें, जिससे वे अपने कार्यों की तुलना कर सकें। अगला है, उनसे यह ना करें कि आपका कार्य सबसे बुरा है। इसके लिए उन्हें अलग अलग स्रोतों से निगेटिव एग्जाम्पल दिखाएं ताकि वे अपनी गलतियों को खुद से स्वीकार करें और ये समझ सके कि ये गलती सिर्फ उनसे नहीं हुई है, बाकी और लोगों से भी गलतियाँ होती हैं और उसमें समय रहते सुधार भी किया जा सकता है। अगला है, विद्यार्थी एक प्रयासरत यानी ट्राइंग ऑन रोल्स विद्यार्थी की भूमिका निभा रहा होता है, इसे समझें। और यदि उनसे कोई मिस्टेक होने पर उन्हें उनके व्यवहार की जो है आलोचना ना करें, बल्कि हम कह सकते हैं, सॉरी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसके व्यवहार की आलोचना करें, ना कि स्टूडेंट की एज ए पर्सन आलोचना करें। इस तरह से अलग अलग जो विचारक हैं उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जाना कि अलग अलग उम्र के बच्चे या अलग अलग स्टेजेस में जो बच्चे हैं उनको हैंडल करने के तरीके, उन्हें पढ़ाने या सिखाने का तरीका हमें अलग अलग तरीके से अपनाना होगा। एक ही थ्योरी हम हर उम्र में लागू नहीं कर सकते। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा आज का जो डिस्कशन है वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आज के वीडियो से, जो हमने आज जितना कुछ भी सीखा है, उससे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार है, आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊँचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊँचा होता है। दूसरा, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तीसरा ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। चौथा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है।
सही उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आज की डिस्कशन से, आज की थ्योरी से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग।